Start with today's session. Today we'll talk about the uniform circular motion. So let's first of all understand what we mean by uniform circular motion. This is the circle and a particle is traveling along this circle. You see, there is a particle. This particle is traveling along this circle. वो इस सर्कल पर ट्रैवल कर रहा है सर वैसे. एंड एन ऑब्जेक्ट अगर ये कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा, इफ दिस इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड अलोंग द सर्कुलर पाथ इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. इन शॉर्ट वी कॉल दिस एज UCM, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. इज दिस क्लियर? एन ऑब्जेक्ट विच इज ट्रेवलिंग विद अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग द सर्कुलर पाथ. अभी कुछ मत करो, बाद में कर लो, सिर्फ ध्यान दे दो यहाँ पर. सच अ मोशन इज ओनली पॉसिबल इफ इट्स वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू इट्स सर्कुलर पाथ विदाउट चेंज इन इट्स मैग्नीट्यूड. मतलब उसका जो वेलोसिटी है, अब एक चीज आपको पता है कि अगर वो दिवाली का चक्र आप लोगों ने देखा होगा, दिवाली का भुई चक्र जिसको हम क्या बोलते हैं आप लोग, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि वहां से जो निकलने वाले जो चिंगारियां होती है, दे आर एक्चुअली लाइक दिस. मतलब अगर वो घूम रहा है तो वो ऐसे निकलती है, करेक्ट ना? दे आर ऑलवेज टेंजेंशियल, हमेशा वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होते हैं. देखिए ऐसे ही होता है ना उसका स्ट्रक्चर दिवाली के चक्री का. सो इसका मतलब क्या है? या तो फिर अगर कोई मैं पत्थर लेता हूं, एक स्ट्रिंग को बांध के ऐसे घुमाऊंगा, अगर ऐसे उसको एक पत्थर मैंने स्ट्रिंग को बांध दिया और ऐसे हॉरिजॉन्टल में मैंने उसको घुमा दिया, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, इफ आई व्हर्ल इट इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, से फॉर एग्जांपल समथिंग लाइक दिस, और इसमें यहां पर मैंने वो पत्थर को बांधा है, तो जहां कहीं अगर वो यहां पर है उसका पोजीशन, तो इन विच डायरेक्शन दिस इज लाइकली टू गो. अगर वो यहां से निकलता है तो विल इट गो इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन. यहां से भी अगर वो छूट जाता है तो इधर ऐसा जाएगा, यहां से छूटेगा तो ऐसा जाएगा. सो एट विच एवर पॉइंट इट इज गोइंग टू लीव, इट विल गो इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन. यस और नो? इजंट इट? सो इट मींस दैट द वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल. वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं, दिस इज द वेलोसिटी एंड दिस वेलोसिटी विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द रेडियस. दिस इज द रेडियस वेक्टर, इसे हम कहेंगे रेडियस वेक्टर आर बार. तो रेडियस को वेलोसिटी, सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द रेडियस, ऑलवेज. ओके, ये प्रॉपर्टी है. तो इस पॉइंट का उसका वेलोसिटी ऐसा है, अगले पॉइंट का वेलोसिटी ऐसा है. सो एट एवरी पॉइंट द वेलोसिटी का डायरेक्शन इज चेंजिंग, मैग्नीट्यूड इज सेम. द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज स्पीड. स्पीड क्या होता है? वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी और वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग देयर? क्या आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो ये पहला मुद्दा था, इसका पहला पॉइंट था. सेकेंड पॉइंट, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन इज अ मस्ट. अब वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी के पास दोनों भी होता है. क्या होता है? वी से वेलोसिटी इज हैविंग मैग्नीट्यूड एंड वेलोसिटी इज ऑल्सो हैविंग द डायरेक्शन, करेक्ट ना? तो सर्कुलर मोशन में हमें क्या करना है? उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करना है, सिर्फ उसका डायरेक्शन चेंज करना है. इन सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मैग्नीट्यूड इज नॉट टू बी चेंज्ड. द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज कॉल्ड एज स्पीड. समझ में आ गया? लेकिन उस वेलोसिटी का डायरेक्शन हर पॉइंट पर, क्योंकि एट एवरी पॉइंट दिस इज ट्राइंग टू गो इन दिस डायरेक्शन, लेकिन उसको खींच के बांधना पड़ रहा है, उसके ऊपर कुछ हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है, एज इफ. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू हियर? यहां पर इस वेलोसिटी को इस तरफ खींच के रखने की जरूरत पड़ रही है. वही वेलोसिटी जब इधर होता है तो उसको ऐसा खींचना पड़ रहा है, वही वेलोसिटी जब इधर होता है तो उसको ऐसा खींचने की जरूरत पड़ रही है. उसकी वजह से वो ट्रैक छोड़ के नहीं जा रहा है, अदरवाइज जैसे ही वो यहां से निकल जाता है तो वो चला जाता है. सो व्हाट इज दिस व्हिच आई हैव शोन हियर? ये क्या है? दिस इज
द फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर. इस फोर्स को, वहां पर फोर्स है, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रीपेटल फोर्स एफ सी. वॉट इज दिस एफ सी? इज वॉट? सेंट्रीपेटल फोर्स. सेंट्रीपेटल फोर्स इट इज कॉल्ड एज सेंट्रीपेटल फोर्स. नो, जहां फोर्स है वहां पर एक्सेलरेशन भी है, तो ये जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा? दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन. दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन. इज दिस क्लियर टू ऑल? सो देयर इज अ फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, एंड दिस फोर्स इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द सर्क्यूलर ट्रैक. और इस फोर्स का काम क्या है जी? उस फोर्स का काम है पार्टिकल को उसी सर्कुलर ट्रैक पर बनाए रखना. मतलब क्या है उसका काम? उसका काम यह है कि इट हैज टू चेंज, दिस फोर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी. मैग्नीट्यूड उसका चेंज नहीं होता है. इज दिस क्लियर टू ऑल? इज दैट क्लियर टू ऑल? समझ में आ गया? ऑन द कॉन्ट्ररी, इफ आई एड हियर वन मोर फोर्स जो के इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है. On the contrary, if I add a force here which is acting in this direction, which is towards in the direction of the velocity, ये force क्या करेगा? ये velocity का magnitude change करेगा. Is that clear to all? ये क्या करेगा? Velocity का magnitude will be changed here. मतलब जैसे कि एक wheel घूम रहा है तो उसके यहां पर हम ऐसे उसको tangential force दे रहे हैं, तो उसकी वजह से उसका speed बढ़ता जाएगा. Isn't it? ये tangential force है. This will be the tangential force. लेकिन इस tangential force की अभी हम बात नहीं करेंगे. We will not talk about this tangential force. Is this clear? Any doubts about that? So I'll talk about this tangential force in 12th standard. फिलहाल अब सिर्फ हम uniform circular motion की बात कर रहे हैं. Is this clear to you all? समझे? तो uniform circular motion की क्या speciality है? Constant speed. And then there is a force which is acting towards the center. And what is that force called as? Centripetal force. Is force ka kya kaam hai? What does this do? Yeah, to maintain the particle on the circular track, to change its direction of the velocity. This responsible for, it maintains particle on the circular path. Particle ऑन सर्क्यूलर पाथ. या फिर वो क्या करता है? दैट इज चेंजेस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट. एट एवरी पॉइंट. इज दिस क्लियर टू यू ऑल? एनी डाउट्स अबाउट दैट? ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा सर्कुलर. ये दिया है यहां पर, इन ऑर्डर टू अचीव बोथ दिस रिक्वायरमेंट्स, एक्सेलरेशन must be perpendicular to the velocity and of the constant magnitude, always directed towards the center. Such is called as a centripetal, centripetal force and centripetal acceleration. उसके बारे में यहाँ पर बताया है. Centripetal force of suitable in order to realize circular motion, two requirements. एक है tangential velocity और दूसरा है centripetal force. Is that clear? Any doubts about this circular motion, uniform circular motion? सबको समझ में आ गया? Okay. चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ आई विल टॉक अबाउट द पीरियड, रेडियस, वेक्टर एंड एंगुलर स्पीड. इन सब की बात करेंगे हम लोग. ठीक है, नाउ लेट मी टॉक अबाउट द स्पीड ऑफ दिस. इसका स्पीड के बारे में हम बात करते हैं. लेट अस से पीरियड. पीरियड क्या होता है? द पीरियड ऑफ यूसीएम. पीरियड इज डिनोटेड बाय टी. इट इज टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन. टाइम टू कंप्लीट one revolution, it is called as the period. Samajh mein aaya? So time to complete one revolution, it's called as period. Acha, one revolution mein wo kitna uska distance hota hai? Distance ka word kitna hota hai udhar? 2 pi r, correct. 2 pi r, isn't it? R is the radius. So one revolution in andar उसने 2 पाई आर डिस्टेंस कवर किया. सो कैन यू टेल मी व्हाट वाज स्पीड हियर? व्हाट विल बी द स्पीड? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस अपॉन टाइम.
तो स्पीड इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन टी, दैट इज इक्वल टू वी ना, इजंट इट, दैट इज इक्वल टू वी, सो वी इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन टी। समझ में आ गया, ये है फॉर्मूला फॉर द स्पीड, दिस इज इक्वेशन नंबर 3.48, कैन यू सी दैट, इक्वेशन नंबर 3.48 मिल गया। अब हम यहां पर डिस्कस करेंगे नया फिजिकल क्वांटिटी विच इज कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी, नया फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। स्पीड का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और टाइम पीरियड का सेकेंड। ओके, एंगुलर वेलोसिटी इज अ नया फिजिकल क्वांटिटी, इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा, ओमेगा, इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा। एंड व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी, देखिए जैसे लीनियर मोशन होता है, लीनियर मोशन, उसी तरह सर्कुलर मोशन भी होता है, द सेम वे वी हैव गॉट द सर्कुलर मोशन। ठीक है, लीनियर मोशन में आपका होता है डिस्प्लेसमेंट, लीनियर मोशन में क्या होता है आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज देयर। उसी तरह से उसी तरह से सर्कुलर मोशन में जो होता है उसे कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इन द सर्कुलर मोशन देयर इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय कभी एस से या एक्स से भी उसको डिनोट करते हैं, एंड इट इज मेजर्ड इन मीटर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय थीटा, एंड इट इज मेजर्ड इन रेडियन। इज दिस क्लियर टू ऑल? ठीक है, एनी डाउट्स अबाउट दैट? चलिए, अगला फिजिकल क्वांटिटी यहां पर होता है एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी, अगला फिजिकल क्वांटिटी होता है वेलोसिटी। ठीक है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेलोसिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, इट इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी इन द वेक्टर नोटेशन इज गिवन बाय, अब हम उसको मैथमेटिकली और वेक्टर दोनों फॉर्म में लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ, आपको अभी एक नोटेशन में बताने जा रहा हूं जिसको मैथ्स और फिजिक्स में भी दोनों में यूज किया जाता है। वेलोसिटी इट इज डिनोटेड बाय लिमिट्स एज डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। पहले मैं आपको उसका एल्जेब्रिक डेफिनेशन बता देता हूं, व्हाट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट मैथमेटिकल और एरिथमेटिकल फॉर्मूला, करेक्ट ना, बराबर है क्या? उसे मैं चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकता हूं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब वेलोसिटी वी राइट इट एज वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी, और चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट आई विल राइट दिस एज डी एक्स, चेंज इन एक्स टू माइनस एक्स वन को मैं डी एक्स बोल देता हूं, this is final displacement, this is initial displacement upon time, this is final time and this is initial time, are you understanding what I'm saying there? So can I write it in the differential form, usko main likhunga dx by dt, lekin yahi hota hai derivative, theek hai, I can write it in the vector notation as v bar is equal to limit as delta t tends to 0, you will assume this without proof, delta x bar upon delta t, or we also call this as dx bar upon dt. Yahi ye scalar notation, ye vector notation. Is that understood? Maine pucha, is that understood? Yes. Is that clear? Samajh mein aaya? Chaliye. Ab yahi sari cheeze aap similarly mujhe bataoge circular motion ke liye. Displacement, angular displacement, velocity. एंगुलर वेलोसिटी, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज मेजर्ड इन रेडियन पर सेकेंड। देखिए ये मीटर पर सेकेंड होता है,
this is radian per second. By the way, how would I write this? Omega is equal to, इसको मैं बोलूंगा angular displacement, angular displacement upon time. या तो फिर मैं उसको change in angular displacement भी बोल सकता हूं, change in angular displacement. समझे क्या? तो उसको arithmetical form में मैं लिख सकता हूं कैसे, theta upon t. सेम तरह कैसे बताने का यार, देख के बता सकते हो आप लोग. कम ऑन, टेल मी, कैन आई राइट दिस एज d theta by dt डायरेक्टली? theta 2 minus theta 1 upon t 2 minus t 1, करेक्ट है ना? दोनों जुड़वा भाई है. तो उसको फिर अभी वेक्टर नोटेशन में कैसे लिखोगे आप? ओमेगा बार इज इक्वल टू लिमिट एज डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, बोलो यार सेम तरीके से, डेल्टा थीटा बार अपॉन डी डेल्टा टी, और वी कॉल दिस एज डी थीटा बार अपॉन डी टी. इज दिस क्लियर टू ऑल? एनी डाउट्स अबाउट दैट? समझ में आ गया? बाय द वे, ये जो दोनों होते हैं एस एंड थीटा, दे आर कनेक्टेड बाय अ फॉर्मूला. हाउ आर दे कनेक्टेड? एस एंड थीटा, दे आर कनेक्टेड बाय द फॉर्मूला एस इज इक्वल टू आर थीटा. समझ में आ गया? इसका डेरिवेटिव अगर लिया जाएगा तो दे आर ऑल्सो कनेक्टेड बाय द फॉर्मूला वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, जो हम इसमें देखने वाले हैं. वी आर गोइंग टू सी दिस, यहां पर देखने वाले हैं. इज दिस क्लियर टू ऑल? इसी तरह से यह सिलसिला आगे भी बढ़ता रहेगा. लेट मी टेक दिस फर्दर नाउ. लेट मी टेक दिस फर्दर, क्या मिलेगा ये बताइए. इसमें अब ऐड होने वाला है एक्सेलरेशन. यहां पर ऐड हो जाएगा एक्सेलरेशन. द एक्सेलरेशन इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इट इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो इसका फॉर्मूला अभी यहां से यहां पर बताइए क्या होगा. एक्सेलरेशन बाय ए, कम ऑन टेल मी व्हाट इज दैट. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ऑलरेडी आपको पता है, इट इज चेंज इन वेलोसिटी, करेक्ट, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, जिसको हम एक्चुअली लिखते हैं वी माइनस यू अपॉन टी. ये फॉर्मूला तो आपको अच्छे से पता है. वेल आई कैन राइट इट एज वी टू माइनस वी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन, और आई कैन राइट इट एज डी वी बाई डी टी. सो मतलब अगर आप डिस्प्लेसमेंट को डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी तो आपको वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा. दिस वेरी फैक्ट वी आर गोइंग टू मेक यूज ऑफ इन आवर ट्वेल्थ, यहां पर भी यूज करने वाले हैं वो अभी. इज दैट क्लियर टू ऑल? हाउ डू आई राइट दिस इन द वेक्टर नोटेशन? ए बार इज इक्वल टू, ए बार इज इक्वल टू लिमिट एज डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो ऑफ डेल्टा वी बार अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डी वी बार अपॉन डी टी. कैन यू टेल मी द सेम थिंग्स ओवर हियर? देखिए इसके पहले क्या था, डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन. दिस इज कॉल्ड एज एंगुलर एक्सेलरेशन. दोनों भी सेम टाइप के मोशंस है, दोनों भी सेम टाइप के मोशंस है, सिर्फ ये अलोंग द लाइन होता है, ये अलोंग द सर्कल होता है. तो बताइए इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. चलिए आगे बताइए फटाफट. दिस इज डिवाइडेड बाय अल्फा. बोलो यार इधर से देख के बताने का है सिर्फ. चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो चलिए आगे बताइए फिर. अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन अपॉन टी टू माइनस टी वन, और इट इज डी ओमेगा बाय डी टी. वेक्टर नोटेशन अल्फा बार इज इक्वल टू, बोलिए लिमिट एज, मेरा हो गया इलेवेंथ, मैं आपसे पूछ रहा हूं ये, मेरे को एग्जाम नहीं देने का कोई शपथ, बताओ. डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा ओमेगा बार अपॉन डेल्टा टी इज डी ओमेगा बार बाय डी टी. इज दिस क्लियर? इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है. अच्छा अगला, आई राइट हियर सेट ऑफ काइनेमेटिकल इक्वेशंस. काइनेमेटिकल
equations. There are three kinematical equations. V is equal to u plus at. इधर क्या होगा? इधर इधर क्या होगा वो? हाँ, देखिए, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, एक्सेलरेशन. इधर क्या होगा? ओमेगा टू, सॉरी ओमेगा वन, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा टू, थीटा, टी एंड अल्फा. ठीक है, सो वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी. बोलिए, थीटा टी, थीटा नहीं अल्फा टी है बी. एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर. थीटा इज इक्वल टू v square is equal to u square plus 2as. क्या आएगा यहाँ पे? omega 2 square is equal to omega 1 square plus 2 alpha theta. 2 alpha theta. Any doubts about that? सब connected है ये. Very important table. We'll be needing this table. 12th में भी इसकी जरूरत पड़ेगी अपने को. ठीक है? तो let's take this further now. लेकिन ये देखिए, यहां पे एंगुलर स्पीड जो चेंज करता है, देखिए यहां पर अगर कांस्टेंट स्पीड है तो उसका एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट ही होता है. सो अगर वहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन है तो वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाता है. और एंगुलर वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, जब ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तब वो जो मोशन होता है उसे कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट. अगर ओमेगा चेंज होता है, ओमेगा चेंज होता है मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन है वहां पे, तो वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा. इज दिस क्लियर टू ऑल? डिड यू अंडरस्टैंड दैट? वेल, कमिंग बैक टू, यहां पर आ जाते हैं अभी वापस हम. अच्छा, बाय द वे, ये एक्सेलरेशन और सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन पूरी तरह से अलग है. ये एक्सेलरेशन क्या काम करता है? उसका एंगुलर, ये चेंज करने का काम करता है एंगुलर वेलोसिटी. समझ आ रहा है? लेकिन सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का काम क्या होता है? उसको बनाए रखना सर्कुलर ट्रैक पे. इज दिस क्लियर टू ऑल? ठीक है, वेल लेट अस प्रोसीड फर्दर नाउ. तो हम यहां पर बात कर रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी की. वहीं पर हमारी बात आगे चली गई उधर, करेक्ट ना? सो व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा? अब आप बताइए, व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? इट इज एंगल कवर्ड अपॉन टाइम टेकन. तो हम एक कंप्लीट सर्कल की बात करते हैं, तो कंप्लीट सर्कल में व्हाट इज द एंगल कवर्ड? इट इज 2 पाई एंड टाइम टेकन इज कैपिटल टी. सही है? तो ये एक फॉर्मूला बन गया अपना. दिस इज अ फॉर्मूला फॉर व्हाट? दिस इज अ फॉर्मूला फॉर एंगुलर वेलोसिटी. SI यूनिट क्या होगा जी इसका? रेडियन पर सेकेंड. SI यूनिट इज रेडियन पर सेकेंड. इज दिस क्लियर टू ऑल? एनी डाउट्स अबाउट दैट? ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंगुलर वेलोसिटी. आगे बढ़ते हैं. नाउ आई हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन. यहां पर और एक फॉर्मूला मैं आपको बताना चाहता हूं, जो यहां पर मैंने बताया था, इधर यहां पर पहले ही बता दिया है वो फॉर्मूला. v इज इक्वल टू r इनटू ओमेगा. ये स्केलर नोटेशन में फॉर्मूला है. v इज इक्वल टू r ओमेगा. ये जो इक्वेशन नंबर 3.49 है उसके नीचे ये इक्वेशन लिख लीजिएगा. उन्होंने देना चाहिए था लेकिन नहीं दिया है, बट वी नीड दिस इक्वेशन मेनी अ टाइम्स. v इज इक्वल टू r ओमेगा. वेक्टर नोटेशन में v बार इज इक्वल टू ओमेगा बार क्रॉस r बार. ये होता है वेक्टर नोटेशन, इन वेक्टर नोटेशन. दिस इज द इक्वेशन. इज दैट क्लियर? यहां पे एक सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन जो हमने देखा था, ए सेंट्रीपेटल,
सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन के लिए, ए सेंट्रीपेटल या एसी। यहां पर एक इक्वेशन में या फॉर्मूला में देने जा रहा हूं, एसी इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तीन अलग अलग भागों में या तीन अलग अलग पैटर्न्स में अवेलेबल है। दिस फॉर्मूला इज अवेलेबल इन थ्री डिफरेंट फॉर्म्स। तो ये उसका पहला फॉर्म है, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ दिस। लेकिन यहां पे मैं अगर इसको लिखता हूं कि भाई दिस इज आर ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर है ना, बट आर ओमेगा इज अगेन वी, सो व्हाट इज सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन इज ऑल्सो गिवन बाय वी ओमेगा। इज दिस क्लियर टू ऑल? सो दिस इज वन मोर फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन, ए सी इज इक्वल टू वी ओमेगा। समझ में आ गया? ओके, तो यहां पर मैंने आर ओमेगा के लिए सब्स्टिट्यूट किया, बट वी ऑल्सो नो, यहां से मुझे और एक बात पता चलती है कि व्हाट इज ओमेगा इज इक्वल टू, ओमेगा इज इक्वल टू आर को अगर इधर भेज दिया तो ये क्या बन जाएगा, वी अपॉन आर। सो इफ आई सब्स्टिट्यूट फॉर ओमेगा हियर, तो ये क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर। सो दिस इज वन मोर फॉर्मूला और वन मोर फॉर्मेट ऑफ सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन के ये तीन फॉर्मूले हैं। इज दिस क्लियर टू ऑल? दिस फॉर्मूले आर गिवन ऑन पेज नंबर 43, इक्वेशन 3.53, इक्वेशन 3.53, प्लीज चेक, इज इट देयर? तीनों फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन के। अच्छा, अगर ये सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है तो नेचुरली आप लोग यहां पर सेंट्रीपेटल फोर्स भी डिफाइन कर सकते हैं, isn't it? So I'll write here centripetal force. The centripetal force, which is given by FCP, and F is equal to MA, ACP या AC, समझ में आया? तो accordingly, what are the formulae for this? We get MR omega square, MV omega, and mv square upon r. This is the formula for the centripetal force. Is this clear to all? Any doubts about this? Samjhe? Theek hai? So, ye sab important formula hai. Chahiye to aap isko derive kar sakte hai, but I'll not recommend that. I'll not recommend. Wahan pe derivation usko hum kar sakte hai. But at this point of time, you are not really ready with the derivative thing. आपको derivative उतना नहीं आता है जितना आना चाहिए फिलहाल, तो let it be as it is, ठीक है? तो ये है centripetal acceleration. फिर भी अगर आपको चाहिए तो उसका हम सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का डेरिवेशन देख सकते हैं, बट मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, आई नॉट रेकमेंड इट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आई गो फॉर कोनिकल पेंडुलम नाउ। कोनिकल पेंडुलम, ये डायग्राम है कोनिकल पेंडुलम का। दिस इज डायग्राम फॉर कोनिकल पेंडुलम। वी का वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, is the velocity, speed. Okay? आपको और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं इसके बारे में, देखता हूं, आई एक्सप्लेन यू दिस थ्योरम, कर ही देता हूं एक्सप्लेन, देखते हैं क्या हो जाता है क्विकली। दिस इज द डायग्राम वी कंसिडर, ये डायग्राम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो देयर इज अ पार्टिकल विच इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, दिस पार्टिकल इज एट पॉइंट पी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट। शुरुआत से एक्सिस, एक्स एक्सिस से उसने कितना एंगल कवर किया है, थीटा, और उसके लिए उसको टाइम कितना लगा है, टी। So what is the angular velocity? Omega is equal to angular displacement upon time.
therefore if I'll cross multiply, what is theta is equal to? Is that equal to omega t? And this this angular velocity is constant, that means it is a uniform circular motion. Samjhe? Is point P ko agar hum dekhe, to it will have the coordinates x, y. R is the radius. R is the radius and R bar is the radius vector, जिसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं. वेक्टर्स हमारा हो चुका है काफी हद तक. पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर व्हिच टेल्स अस अबाउट द पोजीशन. सो बाय द वे, व्हाट इज आर बार इज इक्वल टू? इज दैट एक्स आई प्लस वाई जे? आर बार इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे ना? पोजीशन वेक्टर के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, इजंट इट? सो आई वुड से आर बार इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे. बाय द वे, if I am talking about this triangle OPM, this triangle OPM की अगर मैं बात कर लूं, तो in this case, can I say this x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta? Yes, sir. X is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta, trigonometry. Yes, sir. So can I replace this and can I write this as r bar is equal to r cos theta I plus r sin theta j? Yes or no? Yes. So this is the position vector, we say. Or can I say that this is nothing but theta is equal to omega t? So can I say this is r into cos of omega t I plus r into sin of omega t into j? Can I say so? This is r bar. Any doubts about that? दिस इज द पोजिशन वेक्टर वी से. ये क्या है? ये है पोजिशन वेक्टर, टेल्स मी अबाउट द पोजिशन. लेकिन जैसे जैसे ये पोजिशन चेंज होता है, मतलब वहां पर इट्स गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी. वेलोसिटी वी बार इज इक्वल टू, उसको आप डी आर बार बाय डी टी बोलिए, डी एस बार बाय डी टी बोलिए, या डी एक्स बार बाय डी टी बोलिए. समझ में आ रहा है? अगर वो सिर्फ x पोजीशन चेंज करता है, इफ इट इज चेंजिंग ओनली x पोजीशन, तो उसको dx बार बाय dt. लेकिन जब वो चेंज हो रहा है तो उसका x एज वेल एज y दोनों पोजीशन चेंज हो रहा है, इसलिए इस वेलोसिटी को मैं क्या बोलूंगा, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग दिस एज dx बार बाय dt. यहां पर अगर सिर्फ x चेंज हो रहा है, लेकिन सर्कुलर मोशन में हमको उसको क्या बोलना पड़ेगा, बिकॉज x इज इक्वल टू r थीटा, तो इसलिए मैं उसको बोलूंगा वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन. डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड हियर? कुछ समझ में आ गया? तो मैं यहां पर इसको डायरेक्टली डिस्प्लेस, इस वेलोसिटी को मैं डिफरेंशिएट करूंगा. डिफरेंशिएट करना है मतलब क्या? दैट इज इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ आर इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी इंटू आई प्लस आर इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू जे. नाउ दिस विल डिफरेंशिएट लाइक दिस. इसको डिफरेंशिएट करेंगे, आर कॉन्स्टेंट है, so I'll get this out and it is d by dt of cos of omega t into I plus r into d by dt of sin of omega t into j. समझे क्या? अब देखिए, there is something called as chain rule in the derivatives which you don't know, जो आप 12th में सीखने वाले हो. देखिए, d by dx of sin x is cos x, लेकिन यहां पर x ना होते हुए 2x हो, x स्क्वायर हो, तो क्या करने का? मतलब यहां x ना होते हुए क्या होगा? सम फंक्शन ऑफ x होगा. वो फंक्शन ऑफ x कुछ भी हो सकता है, 2x हो सकता है, x स्क्वायर हो सकता है, और कुछ कॉम्बिनेशन हो सकता है, कुछ भी, मतलब सम x square plus 2x plus 3 हो सकता है, कुछ भी. लेट मी कॉल दिस एज फंक्शन ऑफ x. अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है, देन व्हाट विल बी d by dx ऑफ साइन ऑफ, इसे मैं x नहीं, लेकिन फंक्शन ऑफ x जिसको मैं ब्रैकेट बोल दूंगा, d by dx ऑफ साइन ऑफ ब्रैकेट. व्हाट इज दिस ब्रैकेट? दिस ब्रैकेट इज फंक्शन ऑफ x. एक्स के जगह पर दूसरा कुछ होगा, तो क्या करने का? तो उसका डेरिवेटिव हम लिखेंगे कॉस ऑफ ब्रैकेट इंटू
d by dx of bracket. समझ आ गया? मतलब ये चीज एडिशनल हो जाती है वहां पे. नाउ दिस सिंपल रूल इज कॉल्ड एज चेन रूल. क्या कहते हैं इसको? चेन रूल. एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द डेरिवेटिव फॉर्मूले. डेरिवेटिव के सारे फॉर्मूले के लिए अप्लाई है. और ये चेन रूल हम 12th स्टैंडर्ड में देखने वाले, लेकिन यहां पर अप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? तो चलिए अब यहां पर अप्लाई करना है अपने को ये चेन रूल. देखिए, डी बाई डी ऑफ डी टी ऑफ कॉस टी है क्या? कॉस ऑफ टी नहीं है, कॉस ऑफ ब्रैकेट है ना ये. तो इज दिस अ ब्रैकेट? सिमिलरली डी बाई डी टी ऑफ साइन टी नहीं है, साइन ऑफ ब्रैकेट है ये. समझ में आ गया क्या? तो चेन रूल कैसे अप्लाई करेंगे बताइए. यहां पे इट इज नथिंग बट आर इंटू, बोलिए, डी बाई डी टी माइनस कॉस ऑफ ब्रैकेट का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन ऑफ ब्रैकेट इंटू डी बाई डी टी ऑफ ब्रैकेट. क्या समझे? अब ब्रैकेट क्या है जी? ये इस ब्रैकेट इज ओमेगा इंटू टी. ब्रैकेट क्या है ये? ओमेगा टी. सेम थिंग आई डू इट ओवर हियर. टेल मी, इट बी आर इंटू डी बाई डी टी ऑफ साइन ऑफ ब्रैकेट. क्या आएगा जी? वो कॉस ऑफ ब्रैकेट इंटू डी बाई डी टी ऑफ. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? क्या है ये ब्रैकेट? दिस ब्रैकेट इज ओमेगा टी इंटू जी. समझे? अच्छा, अब मुझे बताइए व्हाट इज डी बाई डी टी ऑफ के. ये के है, दिस इज अ कांस्टेंट. तो ये कांस्टेंट बाहर चला आएगा, ये कांस्टेंट है. एंड दिस कांस्टेंट कम्स आउट. ओमेगा इज अ कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट कम्स आउट. तो व्हाट इज डी बाई डी टी ऑफ टी? वन. यहां पर डी बाई डी टी ऑफ टी वन. सो व्हाट यू गेट देयर? दिस विल गिव मी दैट इज इक्वल टू माइनस आर ओमेगा. ये ओमेगा बाहर आ चुका है. आर ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू आई प्लस आर ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी इंटू जे. इज दैट क्लियर? समझ में आया सबको? इज दैट ओके? सो दिस इज द वेलोसिटी. इसमें से आर ओमेगा आई विल टेक कॉमन. तो ये क्या बन जाएगा? देयरफॉर व्हाट इज द वेलोसिटी इज गिवन बाय आई विल टेक आर ओमेगा कॉमन. तो ब्रैकेट के अंदर क्या क्या आएगा बताइए. दिस विल बिकम माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू आई प्लस कॉस ऑफ ओमेगा टी इंटू जे. ये रहा वेलोसिटी. आई विल कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर जो भी कुछ है टू. समझ में आ गया? लेकिन मुझे एक्सेलरेशन चाहिए. सो एक्सेलरेशन इज अगेन इसका डेरिवेटिव, इजंट इट? व्हाट इज एक्सेलरेशन? ए बार इज इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ वेलोसिटी. यही हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखा है. देखिए इस टेबल के अंदर कहां गया वो टेबल? दिस इज द टेबल. तो इसके अंदर एक्सेलरेशन इज डी बाय डी टी ऑफ वेलोसिटी, यही लिखा है ना. सो इज इट द सेम थिंग? ओके, तो लेट्स गेट इट ओवर हियर नाउ. मुझे अब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना है. सो दैट इज इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ, क्या आएगा बताइए? आर ओमेगा इंटू आर ओमेगा इंटू माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी आई प्लस कॉस ऑफ ओमेगा टी जे. दिस इज व्हाट वी गेट देयर. एनी डाउट्स? अब इसका मुझे डेरिवेटिव लेना है, बट आर ओमेगा इज अ कॉन्स्टेंट. आई टेक दैट आउट. और ये डी बाई डी टी इसे भी अप्लाई होगा और इसे भी अप्लाई होगा चेन रूल के साथ. तो चेन रूल अप्लाई करना है मतलब दिस इज डी बाई डी टी ऑफ साइन ऑफ ब्रैकेट एंड दिस इज डी बाई डी टी ऑफ कॉस ऑफ ब्रैकेट. चलिए बताइए कैसे करेंगे अप्लाई. सो दिस विल गिव मी दैट इज इक्वल टू आर ओमेगा इज आउट, डी बाई डी टी ऑफ माइनस साइन बी बार, साइन ऑफ ब्रैकेट का डेरिवेटिव आएगा कॉस ऑफ ब्रैकेट इंटू डी बाई डी टी ऑफ ब्रैकेट, करेक्ट, इंटू आई प्लस डी बाई डी टी ऑफ कॉस ऑफ ब्रैकेट माइनस साइन. तो यहां पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा? माइनस साइन ऑफ ब्रैकेट इंटू डी बाई डी टी ऑफ. इज दैट क्लियर टू ऑल? समझे क्या? इंटू जे कैप. अब ब्रैकेट क्या है वो सब्स्टिट्यूट कीजिएगा. दिस ब्रैकेट इज ओमेगा टी,
ब्रैकेट इज ओमेगा टी एंड ओमेगा टी. इज दैट क्लियर? तो वंस अगेन दिस डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा, ये ओमेगा कॉन्स्टेंट है बाहर आएगा, ये भी ओमेगा कॉन्स्टेंट है बाहर आएगा, तो क्या मिलेगा कुल मिलाकर बताइए? दिस विल बिकम आर, ये माइनस साइन और ये माइनस साइन बाहर आएगा, माइनस आर ओमेगा ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है? ओमेगा टाइम्स कॉस ऑफ ओमेगा टी डिवाइडेड ऑफ टी इज वन इंटू आई, सही है, प्लस ओमेगा टाइम्स साइन ऑफ ओमेगा, क्योंकि यहां से भी ओमेगा बाहर आ गया, ओमेगा टी इंटू डिवाइडेड ऑफ टी इज वन इंटू जे कैप, समझे? वंस अगेन ये ओमेगा बाहर आएगा, समझे क्या? तो व्हाट यू गेट देयर, दिस विल गिव मी, बोलिए क्या आएगा ये? माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, या तो फिर मैं इसको लिखूंगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर ब्रैकेट में आएगा कॉस ऑफ ओमेगा टी आई प्लस साइन ऑफ ओमेगा टी जे. इज दैट ओके? एंड दिस इज, इसको मैंने कहीं देखा है, इज दैट इक्वल टू आर बार? ये तो आर बार है ना, देखिए ना, आई थिंक इट इज आर बार, इज इट? और छोटा कर लेते हैं, चेक है, आगे आर बार है ना इधर, ये देखें, दिस इज आर बार एंड दिस इज ऑल्सो आर बार, इज इट? सेम है ना एक्सप्रेशन, एंड देयरफॉर व्हाट डू आई गेट देयर? देयरफॉर एक्सेलरेशन ए बार इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर बार. नाउ दिस इज रिटन इन द वेक्टोरियल फॉर्म, ये यहां पर वेक्टोरियल फॉर्म में दिया है जी, अगर उसको स्केलर नोटेशन में हम लिखेंगे तो कैसे बनेगा ये? स्केलर नोटेशन से ए इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर. अब देखिए माइनस का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. यहां पे इफ आई से, अगर ये है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इस सर्कुलर मोशन में व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ आर बार? आर बार का डायरेक्शन क्या है मुझे बताइए? आर बार इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर, तो ये होगा आर बार का डायरेक्शन, यस और नो? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आर बार, यस. एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए बार? एक्सेलरेशन जो है, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन जो है, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, तो अगर वो टुवर्ड्स द सेंटर है तो इसका डायरेक्शन अपोजिट होगा ना इसके, इस तरह से होगा इसका डायरेक्शन. हेलो, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन ए सी बार, और इसलिए ये अपोजिट वेक्टर्स है एक दूसरे के एक्चुअली वैसे देखा जाए तो. सो व्हाट आई विल राइट हियर, ए बार इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स आर बार, तो ए बार एंड आर बार दे आर एक्चुअली अपोजिट वेक्टर्स, आर बार इज रेडियली आउटवर्ड्स एंड ए बार इज रेडियली इनवर्ड्स टुवर्ड्स द सेंटर, इज दिस ओके? क्या ये सिंपल सी बात आप सबको समझ में आई है? एनी डाउट्स अबाउट दैट? समझे? ओके, सो दिस इज हाउ वी हैव डिराइव्ड द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन. ये जो मैंने आपको बताया था एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन ए इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, वो वहां पर हमने डिराइव कर लिया. इज दैट ओके? इसी तरह से फिर हम यहां पर इसको स्केलर नोटेशन में अगर ये चीजें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आ गया. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन विच वी ऑप्टेड विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स, विच वी ऑप्टेड विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स. एनी डाउट्स अबाउट दिस? सो आई थिंक आई विल स्टॉप हियर फॉर फिजिक्स. इसमें हम कोनिकल पेंडुलम जो रह जाता है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी स्टार्टिंग विद एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऑफ सर्कुलर मोशन एज वेल. ओके, यप.